हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन एक ही बोर्ड में करके दिखाऊंगा, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए दोस्तों, हमको एक टू वे स्विच चाहिए इसके लिए, और एक इंडिकेटर चाहिए, एक बल्ब लगाने वाला होल्डर चाहिए और एक 5-पिन सॉकेट चाहिए। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में तार को लगा देना है, और उस तार के दूसरे तरफ को हमें इंडिकेटर के एक पॉइंट में लगाना है। आप इंडिकेटर के किसी भी पॉइंट में लगा सकते हैं इस तार को। तो इस तरह से हमको लगा कर कस लेना है। अब आगे का कनेक्शन कैसे होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हमें एक तार लगाना है, और उस तार को हमें 5-पिन सॉकेट के किसी भी एक पिन में लगा देना है। तो ये देखिए, इस तार को हमें ऊपर वाले पॉइंट में लगाना है। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें 5-पिन सॉकेट के एक पॉइंट में लगाना है। तो इस तरह से तार को हमको काट कर छील लेना है, और उसे 5-पिन सॉकेट के एक पॉइंट में लगा देना है। आपको अच्छे से कसना है दोस्तों, इसे लूज नहीं रखना है, क्योंकि लूज रखने से स्विच और सॉकेट ख़राब हो जाता है, जल जाता है, इसलिए आपको अच्छे से कसना है। ये देखिए, इस तरह से कनेक्शन करना है हमको। अब क्या करना है देखिए, अब हमें 5-पिन सॉकेट के दूसरे वाले पॉइंट में तार लगाना है। तो हमें बचे हुए पॉइंट में इस तरह से तार को लगा देना है। अब हमें एक और तार लगाना है इसी में, तो इस तरह से तार को छील लेना है और उसी पॉइंट में हमको लगा देना है। इसमें दो तार लगाना है, और इसे भी हमको अच्छे से कस लेना है। अब आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों तार कहाँ कहाँ लगेगा। तो एक तार तो हमारा ये जो टू वे स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट में लगेगा। आप किसी भी एक तार को लगा सकते हैं। इस तरह से कनेक्शन कर लेना है हमको। अब देखिए, ये जो दूसरा वाला तार है इसे हमें बल्ब होल्डर में लगाना है। तो आप बल्ब होल्डर के किसी भी एक पॉइंट में तार को लगा सकते हैं। इस तरह से तार को छील लेना है, और उसे बल्ब होल्डर में लगा देना है, और अच्छे से कस लेना है। अब देखिए आगे का कनेक्शन हमको कैसे करना है। तो इंडिकेटर का एक पॉइंट और बल्ब होल्डर का एक पॉइंट बचा हुआ है, तो इस तरह से तार लेना है हमको, और उसे बल्ब होल्डर के दूसरे वाले पॉइंट में लगा लेना है। अब इस तार को हमें इंडिकेटर के बचे हुए पॉइंट में लगाना है। तो ये देखिए, इस तरह से छील लेना है हमको, और इसे बल्ब होल्डर के दूसरे वाले पॉइंट से जो तार निकलेगा उसे हमें इंडिकेटर के बचे हुए पॉइंट में लगा लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा सीरीज और पैरेलल बोर्ड बनकर तैयार हो गया। अब इसमें सप्लाई कहाँ कहाँ देना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके इंडिकेटर में हमको सप्लाई देना है, मतलब कि इंडिकेटर के दोनों पॉइंट में हमको सप्लाई देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन सी जगह पे न्यूट्रल सप्लाई देना है और कहाँ पर फेज सप्लाई देना है। तो इस तरह से तार को छील लेना है हमको, इसमें मैं सप्लाई दूँगा इस तार में। तो ये देखिए, इस तरह से हमको खोल लेना है इस पेज को, और ऊपर वाले पॉइंट में इंडिकेटर के हमको न्यूट्रल सप्लाई देना है, और इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट में हमको फेज सप्लाई देना है। तो इस तरह से कनेक्शन कर लेना है दोस्तों। अब चलिए मैं इसे इसके बॉक्स में फिट कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको फिट कर लिया इसके बॉक्स में,
और इसमें मैंने 100 वाट का बल्ब लगा दिया है। हमारा सीरीज बोर्ड बल्ब लगे रहने पर ही काम करता है, नहीं तो काम नहीं करता है। चलिए मैं इसमें सप्लाई दे देता हूँ। ये देखिए इंडिकेटर जल गया हमारा, मतलब इसमें सप्लाई आ गया। अब देखिए ये स्विच से ऑन ऑफ होगा बल्ब, ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। और जब स्विच ऑफ रहेगा तो हम इसे सीरीज में उपयोग में ले सकते हैं। ये देखिए अभी सीरीज में काम कर रहा है और इस स्विच से हमारा बल्ब जो है वो ऑन ऑफ भी होगा, और जब ऑफ रहेगा तो ये सीरीज में काम करेगा। तो इस तरह से कनेक्शन होता है दोस्तों।